गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स इन द लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कसड अबाउट डाइजेस्टिव ग्लैंड्स प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी नाउ इन दिस वीडियो स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इनसाइड ह्यूमन बींग्स ह्यूमन बींग्स की बॉडी में न्यूट्रिशन की प्रोसेस कम्प्लीटली परफॉर्म होने के लिए वो फाइव स्टेप्स किस तरीके से फंक्शन करते हैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन के स्टेप्स में हम फाइव स्टेप्स में सबसे पहली स्टेप्स हमने पढ़ी थी इंजेशन इंजेशन का मतलब होता है एक ऐसी प्रोसेस जिसमें कोई भी कॉम्प्लेक्स फूड इंटेक किया जाता है इंजेस्टिव ऑर्गन्स की मदद से जब ह्यूमन बीइंग्स फूड को इंटेक करते हैं बाय यूजिंग देयर माउथ अपने माउथ को यूज़ करके तो माउथ के अंदर पाए जाने वाला जो टीथ होता है टीथ टंग और ये अपने फंक्शंस परफॉर्म करते हैं इंजेशन की प्रोसेस के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आती है वो है डाइजेशन। डाइजेशन के बारे में आपको पहले भी पढ़ाया कि डाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिनमें कॉम्प्लेक्स फूड जो इंजेशन की प्रोसेस से इंटेक किए गए हैं उस फूड का कन्वर्जन होता है ब्रेकडाउन होता है सिंपलर फूड में इफ़ वी टॉक अबाउट डाइजेशन डाइजेशन इज़ एक्चुअली अ फिजियोकेमिकल प्रोसेस फिजियो केमिकल प्रोसेस मीन्स डाइजेशन इंक्लूड्स फिजिकल प्रोसेस एज वेल एज केमिकल प्रोसेस डाइजेशन की प्रोसेस में फिजिकल प्रोसेस भी होती है और केमिकल प्रोसेस भी होती है फिजिकल प्रोसेस में वो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं दो चीज़ें होती हैं मेस्टिकेशन ऑफ फूड एंड स्वेलोइंग ऑफ़ फूड वॉट इज द मीनिंग ऑफ मेस्टिकेशन ऑफ फ़ूड मेस्टिकेशन का मतलब होता है एक ऐसी प्रोसेस जिसमें कॉम्प्लेक्स फूड का ब्रेकडाउन होता है विद द हेल्प ऑफ टीथ मतलब इसमें फूड जो होता है वो च्वी किया जाता है ग्राइंड किया जाता है क्रश किया जाता है टीथ की मदद से और साथ ही साथ इस ग्राइंड किए हुए क्रश किए हुए, हुए फूड की मिक्सिंग होती है सलाइवा से जो कि टंग करता है इट मीन्स द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड बाई टीथ एंड मिक्सिंग ऑफ फूड विथ सलाइवा बाई टंग कॉल्ड मैस्टिकेशन ऑफ फूड तो फिजिकल प्रोसेस की अगर बात करें तो इसमें टू प्रोसेस इन्वॉल्व हैं मैस्टिकेशन ऑफ फूड मैस्टिकेशन के बारे में हमने पढ़ा स्वेलोइंग ऑफ फूड की क्या मीनिंग होती है स्वेलोइंग ऑफ फूड का सिंपली मीनिंग होता है जब हम फूड को माउथ कैविटी से टंग की मदद से इंजेस्ट करते हैं या सेंड करते हैं ईसोफेगस में इन हिंदी खाने को निगलना तो जब ईसोफेगस में जो पेरेस्टाइलसिस होती है उसकी मदद से जब फूड ईसोफेगस में पहुंच जाता है तो उसे हम ऑफ फूड कहते हैं ये दो बेसिक प्रोसेसेस फिजिकल प्रोसेस कहलाते हैं जो कि डाइजेशन की प्रोसेस के समय होता है डाइजेशन ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ केमिकल प्रोसेसेस केमिकल प्रोसेस में डाइजेशन में क्या होता है केमिकल प्रोसेस के समय डाइजेस्टिव ग्लैंड से रिलीज हुए डाइजेस्टिव एंजाइम्स अपने एक्शन परफॉर्म करते हैं और फूड को सिंपलर फूड में कन्वर्ट करते हैं क्लियर दिस पॉइंट तो केमिकल प्रोसेस में हम डाइजेस्टिव एंजाइम्स के एक्शन के बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स ना वी कम टू द केमिकल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन अगर केमिकल प्रोसेस को स्टडी किया जाए तो केमिकल प्रोसेस जो डाइजेशन की होती है स्टार्ट्स इन माउथ ये माउथ से स्टार्ट हो जाती है नो दैट माउथ कैविटी में थ्री पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड पाए जाते हैं और सलाइवरी ग्लैंड एक डाइजेस्टिव ग्लैंड होता है जो कि एक डाइजेस्टिव जूस रिलीज करता है जिसे हम सलाइवा कहते हैं अब बात करते हैं सलाइवा में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं सलाइवा में म्यूकस पाया जाता है म्यूकस सीक्रेट करने वाले एक स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं जिन्हें हम गॉब्लेट सेल्स के नाम से जानते हैं गॉब्लेट सेल्स म्यूकस का सिक्रीशन करती हैं म्यूकस एक स्लाइमी एक जेली लाइक एक स्टिकी सब्सटेंस होता है म्यूकस का काम क्या होता है इट मेक्स द फूड जो फूड ग्राइंड किया गया है क्रश किया गया है जिसे हम बोलस कहते हैं म्यूकस उस फूड को मॉइस्ट रखता है फूड अगर मॉइस्ट होगा स्लीपरी होगा तो वो आसानी से एलिमेंट्री कैनाल के हर पार्ट तक आसानी से पहुंच जाएगा तो म्यूकस का काम होता है फूड को मॉइस्ट रखना जो नेक्स्ट एंजाइम पाई जाती है सलाइवा में वो है लाइजोजाइम लाइजोजाइम का क्या फंक्शन होता है लाइजोजाइम्स हैव एबिलिटी टू किल द हार्मुल बैक्टीरिया इंजेस्टेड विद द फूड फूड को इनटेक करते समय जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया हमारे फूड के साथ इंजेस्ट हो गई हैं लाइजोजाइम नाम का वो एंजाइम उस इंजेस्टेड फूड में प्रेजेंट बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है सलाइवा ऑल्सो कंजिस्ट ऑफ अ स्पेशल एंजाइम कॉल्ड सलाइवरी एमाइलेज सलाइवरी एमाइलेज का डिस्कशन हम पहले ही कर चुके हैं सलाइवरी एमाइलेज इज ऑल्सो कॉल्ड एज टाइलिन टाइलिन या सलाइवरी एमाइलेज का फंक्शन क्या होता है इनसाइड द माउथ कैविटी जो फूड का स्टार्च पार्ट होता है न्यूट्रिएंट जो स्टार्च होता है जैसे हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं पूरे टोटल स्टार्च में स्टार्च का थर्टी परसेंट जो है वो कन्वर्ट किया जाता है स्टार्च से थोड़े से सिंपल फॉर्म में हायर क्लास में आप पढ़ेंगे कि स्टार्च एक पॉली होता है पॉली मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्म कार्बोहाइड्रेट का और माल्टोज माल्टोज एक डाइसेक्राइड होता है इस डाइसेक्राइड सेक्राइड मीन इट इज आल्सो अ कॉम्प्लेक्स फॉर्म बट लेस कॉम्प्लेक्स टू स्टार्च स्टार्च से लेस कॉम्प्लेक्स होता है ये कन्वर्जन किस एंजाइम की मदद से होता है सलाइवरी एमाइलेस की मदद से सलाइवरी एमाइलेस कहाँ पाई जाती है सलाइवा में पाई जाती है एक और बात ये जो सलाइवा होता है इसकी जो पीएच वैल्यू होती है इसका जो नेचर होता है वो एक एल्कलाइन होता है इसकी पीएच वैल्यू सिक्स पॉइंट एट होती है यानी कि वो स्लाइटली एसिड एलक्लाइन आप इसे कह सकते हैं या आप स्लाइटली एसिडिक कह सकते हैं इट मीन्स कि ये पूरी प्रोसेस एल्कलाइन मीडियम में ही बेसिकली चल रही है क्लियर दिस पॉइंट अब हम आते हैं ईसोफेगस में माउथ कैविटी में जब फूड का स्टार्च पार्ट माल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है तो फूड पट स्वेलोइंग की प्रोसेस से ईसोफेगस में आता है हमें पता है कि ईसोफेगस के अंदर पैरेस्टाइलिस मूवमेंट होती हैं एक और बात ईसोफेगस में किसी भी तरीके की डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं पाई जाती और डाइजेस्टिव ग्लैंड ना पाए जाने की वजह से ईसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता इट मीन्स कि ईसोफेगस में जब बोलस आता है वहाँ पर डाइजेशन की प्रोसेस नहीं होती ईसोफेगस में केवल एक स्पेशल मूवमेंट होता है जिसे हम पेरेस्टाइलसिस मूवमेंट के नाम से जानते हैं इस पेरस्टाइलसिसिस मूवमेंट की मदद से फूड ईसोफेगस से स्टमक में आता है अब स्टमक में आपको पता है कि स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती हैं ये गैस्ट्रिक ग्लैंड एक स्पेशल डाइजेस्टिव जूस रिलीज करती हैं जिसे हम गैस्ट्रिक जूस के नाम से जानते हैं गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं गैस्ट्रिक जूस की स्पेशल टाइप की सेल होती है जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रेशन करती है बेटा आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हाइड्रोक्लोरिक का फंक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द रोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इनसाइड द स्टमक तो उसका आंसर क्या है सबसे पहली चीज़ कि हमें पता है कि जो फूड सलाइव माउथ कैविटी से होकर आया है वो एल्क्लाइन नेचर का है तो स्टमक में आने के बाद उस फूड को एसिडिक फूड में कन्वर्ट करना करने का काम कौन करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो एस का पहला फंक्शन क्या हुआ इट मेक्स द बेसिक फूड एसिडिक ये फूड को जो बेसिक नेचर का है उसे एसिडिक कन्वर्ट करता है दूसरा फंक्शन क्या होता है इट किल्स द बैक्टीरिया ये बैक्टीरिया जो फूड के साथ बैक्टीरिया हमारे एलिमेंट्री कैनाल में एंटर कर चुकी है उस बैक्टीरिया को ये क्या करती है किल करती है इसका थर्ड फंक्शन है इट एक्टिवेट्स द डाइजेस्टिव एंजाइम्स गैस्ट्रिक जूस में जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं स्टूडेंट्स वो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं उन्हें एक्टिवेट करने का काम कौन करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक बार मैं फिर आप सबको बताती हूँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रोल क्या होता है इट मेक्स द बेसिक फूड एसिडिक इट किल्स द बैक्टीरिया एंड इट एक्टिवेट्स द डाइजेस्टिव एंजाइम्स ये थी थ्री मेन फंक्शन हैं जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड परफॉर्म करता है जिस तरीके से माउथ कैविटी में म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स पाई जाती हैं इसी तरह गैस्ट्रिक ग्लैंड में भी इन स्टमक की इनर लाइनिंग में भी पाई जाती हैं म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स जो कि म्यूकस सिक्रीट करती हैं म्यूकस का यहाँ पर भी वही काम है मेक्स द फूड मोइस्ट ये फूड को क्या करती हैं मॉइस्ट बनाती हैं ताकि फूड आसानी से स्लीपरी होने की वजह से फर्दर जो है मूव कर सके नेक्स्ट आते हैं गैस्ट्रिक जूस में पाए जाने वाले एंजाइम्स जिनको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं वो एंजाइम्स है पैप्सिनोजन एंड प्रोरेनिन आपको पता है पैप्सिनोजन और प्रोरेनिन इनएक्टिव फॉर्म एंजाइम्स के हैं जिन्हें एक्टिवेट करना होता है स्टूडेंट्स पैप्सिनोजन हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मदद से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है उस एक्टिव फॉर्म को हम पैप्सिन कहते हैं जब ये एक्टिवेट हो जाता है तो ये फूड में पाए जाने वाले प्रोटीन पार्ट को हम प्रोटीन भी फूड में लेते हैं इनटेक करते हैं उस प्रोटीन पार्ट को पैप्टोन्स और प्रोटीज़ में कन्वर्ट करता है प्रोटीन पॉली फॉर्म होता है यानी एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है जबकि पेप्टोन्स और प्रोटीसीज भी कॉम्प्लेक्स होते हैं लेकिन प्रोटीन की तुलना में लेस कॉम्प्लेक्स होते हैं इट मीन्स मेरा कहने का ये मतलब है कि डाइजेशन की प्रोसेस जब स्टार्ट हुई है तो कंप्लीट डाइजेशन तो नहीं हुआ है कोई भी चीज़ जब बहुत बड़ी होती है तो पहले उसके छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं फिर वो एकदम सिंपल में कन्वर्ट किया जाता है इट मीन्स कि फूड अभी सिंपल फूड में कन्वर्ट नहीं हुआ अभी ब्रेकडाउन एंजाइम्स की मदद से ब्रेकडाउन हो हो के सिंपल चीज़ों में कन्वर्ट होना शुरू हुआ पेप्सिन एसिडिक मीडियम में वर्क करता है और मीडियम को एसिडिक कौन बनाता है स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो आपको ध्यान में रखने वाली बात यह है कि प्रोटीन्स का डाइजेशन स्टमक में स्टार्ट होता है प्रोटीन्स पार्शियली डाइजेस्ट होकर किसमें बदलती हैं पैप्टोन्स में और प्रोटीज़ में अब बात करते हैं प्रोरेनिन की प्रोरेनिन इज़ आल्सो इनएक्टिव फॉर्म ये भी एक इनएक्टिव फॉर्म है एंजाइम का हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसे भी एक्टिवेट करता है और ये रेनिन में कन्वर्ट हो जाती हैं रेनिन का फंक्शन होता है मिल्क में पाए जाने वाला प्रोटीन हमें मालूम है कि जो मिल्क हम इनटेक करते हैं उसमें भी प्रोटीन पाया जाता है और मिल्क के प्रोटीन को हम केसीन के नाम से जानते हैं जो रेनिन एंजाइम होता है वो केसीन को पैरा केसीन में कन्वर्ट कर देता है इनसॉलबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है तो यहाँ आपको क्लियर हो गया होगा कि पेप्सिन और रेनिन का क्या फंक्शन है दोनों ही कन्वर्जन की प्रोसेस कौन से मीडियम में परफॉर्म हो रही हैं एसिडिक मीडियम में परफॉर्म हो रही हैं क्लियर स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की हमें पता है कि स्टमक के बाद एलिमेंट्री कैनाल का कौन सा पार्ट आता है स्मॉल इंटेस्टाइन आता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में आपको पता है कि थ्री पार्ट्स होते हैं ड्यूडनम जेजनम एंड ईलियम ये भी आप जानते हैं कि ड्यूडनम जो पार्ट होता है उसमें दो चीज़ें दो डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज होती हैं एक कॉमन डक्ट की मदद से वो डाइजेस्टिव जूसेस कौन कौन सी हैं फर्स्ट डाइजेस्टिव जूस जो कि बाइल जूस होती है जो लीवर से रिलीज़ होकर आती है और हिपैटो पेंक्रियाटिक डट की मदद मदद से ड्यूडनम में रिलीज़ की जाती हैं तो सबसे पहले हम बाइल जूस के बारे में पढ़ लेते हैं स्टूडेंट्स बाइल जूस भी एक एल्कलाइन फ्लूड होता है इसका भी जो नेचर होता है वो बेसिक होता है बाइल जूस में कोई डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं पाई जाती हैं बल्कि कुछ सॉल्ट्स पाई जाती हैं जिन्हें हम बाइल सॉल्ट्स कहते हैं हायर क्लासेस में आप इनके बारे में पढ़ेंगे बाइल पिगमेंट्स पाई जाती हैं इसके बारे में भी आप हायर क्लास में पढ़ेंगे कि वो कौन सी पिगमेंट्स हैं जो कि बाइल जूस में पाई जाती हैं बाइल जूस का फंक्शन क्या होता है स्टमक से जो फूड इंटेस्टाइन में आती है उस फूड का बेसिकली उस वक्त नेचर एसिडिक होता है उस एसिडिक फूड को बाइल जूस एल्कलाइन फूड में कन्वर्ट करती हैं स्टूडेंट्स इन फूड को मीडियम कन्वर्ट करना क्यों ज़रूरी होता है क्योंकि ये निश्चित है कि फूड का डाइजेशन फर्दर किस मीडियम में वर्क करेंगे एंजाइम यानी कि ये जो फूड कन्वर्ट किए जाते हैं एसिड टू एल्कलाइन एल्कलाइन टू एसिड वो सिर्फ इसलिए किए जाते हैं क्योंकि डाइजेस्ट होने वाले जो एंजाइम्स होते हैं उनको डाइजेस्ट करने के लिए फूड को वो या तो एसिड मीडियम में काम करते हैं या एल्क्लाइन मीडियम में काम करते हैं स्टमक में पेप्सिन हमेशा एसिड मीडियम में ही काम कर सकता है इसीलिए इसे एसिड में कन्वर्ट किया गया है लेकिन यहाँ पर जो एसिडिक फूड है उसमें बाइल जूस एल्क्लाइन में इसलिए कन्वर्ट करता है क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर और जो एंजाइम्स पाए जाएंगे वो फूड का डाइजेशन किस मीडियम में करने की एबिलिटी रखते हैं एल्क्लाइन मीडियम में करने की एबिलिटी रखते हैं इसलिए एसिडिक फूड को पहले एल्क्लाइन फूड में कन्वर्ट करना ज़रूरी होता है क्लियर अब सेकेंड फंक्शन जो कि बाइल जूस परफॉर्म करता है वो होता है एमेल्सिफ़िकेशन ऑफ फ़ैट्स एमेल्सिफ़िकेशन क्या होता है स्टूडेंट्स हमें पता है कि जो फूड हम इनटेक करते हैं उस फूड में फ़ैट के भी मॉलिक्यूल्स होते हैं यानी न्यूट्रिएंट के तौर पर हम फैट्स भी इनटेक करते हैं ये जो फ़ैट्स होते हैं बहुत लार्जर लार्जर साइज के होते हैं सबसे पहले बाइल जूस इन लार्जर फ़ैट मॉलिक्यूल्स को सिंपली ब्रेक डाउन करता है स्मॉलर फैट्स में इसे हम एमल्सिफिकेशन ऑफ़ फैट्स कहते हैं इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ ब्रेक डाउन लेकिन इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स कहते हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट बाइल जूस का भी फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है दो फंक्शन परफॉर्म करता है बाइल जूस सबसे पहला फंक्शन है इट कन्वर्ट्स द एसिडिक फूड इंटू एल्कलाइन फूड एंड इट हेल्प्स इन द एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स यानी ये लार्जर फैट मॉलिक्यूल्स को स्मॉलर फैट मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करता है है अब हम आते हैं पैंक्रियाटिक जूस पर आपको मालूम है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एक जूस और रिलीज होती है जिसे हम पैंक्रियाटिक जूस कहते हैं और पैंक्रियाटिक जूस कौन रिलीज करता है पैंक्रियाज रिलीज करती हैं पैंक्रियाज जब पैंक्रियाटिक जूस को रिलीज करती हैं तो वो पैंक्रियाटिक डट की मदद से पैंक्रियाज से आता है और वो हिपैटो पैंक्रियाटिक डट की मदद से स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडनम में रिलीज हो जाता है अब बात करते हैं पैंक्रियाटिक जूसेज में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं पैंक्रियाटिक जूस में वेराइटी ऑफ एंजाइम्स पाए जाते हैं जैसे

आपको पता है कि माउथ कैविटी में स्टार्च का थर्टी परसेंट ही पार्शियली डाइजेस्ट हुआ था रेस्ट ऑफ द स्टार्च पार्ट गेट्स कम कम इन द स्मॉल इंटेस्टाइन और उसका सेवेंटी परसेंट जो अभी रिमेनिंग है वो पैंक्रियाटिक एमाइलेज की मदद से फिर से माल्टोज में कन्वर्ट किया जाता है स्टूडेंट या आप रिमेम्बर कीजिए कि माउथ कैविटी में भी 30% परसेंट स्टार्च माल्टोज में कन्वर्ट हुआ था लेकिन वो सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम की मदद से हुआ था यहाँ पर 70% परसेंट जो रिमेनिंग स्टार्च है उसका भी पार्शियल डाइजेशन हुआ है माल्टोज़ में लेकिन वो काम किसने किया है पैंक्रियाटिक एमाइलेज ने किया है ठीक इसी तरीके से हम प्रोटीन्स कई सोर्सेस से लेते हैं और प्रोटीन कुछ प्रोटीन्स का पार्शियल डाइजेशन स्टमक में होता है कुछ प्रोटीन्स अभी भी रिमेनिंग हैं जो कि ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन नाम की जो एंजाइम्स होती हैं इन प्रोटीन्स को वो पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करती हैं स्टूडेंट्स हमने स्टमक पे देखा कि प्रोटीन्स पेप्टोन्स और प्रोटीज में कन्वर्ट हुई थी और यहाँ पर प्रोटीन्स पेप्टाइड्स में कन्वर्ट हो रही हैं पेप्टाइड्स पेप्टोन्स प्रोटीज ये सारे ही प्रोटीन से लेस सिंपल फॉर्म है सिंपल uh, फॉर्म है क्लियर दिस पॉइंट यानी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स फॉर्म है पेप्टोन्स पैप्टाइड और प्रोटीज थोड़ा उससे सिंपल फॉर्म है प्रोटीन्स पेप्टाइड्स में किस एंजाइम की मदद से कन्वर्ट हुई हैं ट्रिप्सिन कामोट्रिप्सिन की मदद से ठीक इसी तरीके से जो एमएलसीफाइड फैट्स हैं एमएलसीफाइड फैट्स मतलब वो फैट्स जो कि ऑलरेडी लार्जर मोलिक्यूल से स्मॉलर मोलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन की जा चुकी हैं जूस की मदद से अब ये एमलसीफाइट फैट्स पैंक्रियाटिक लाइपीस की मदद से बहुत ही सिंपल यानी सबसे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी हैं जिन्हें हम फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल कहते हैं आप हाइयर क्लासेस में इसके बारे में पढ़ेंगे कि फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल होती क्या हैं लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि फैट्स एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड है और फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल उन्हीं फैट्स का सबसे सिंपल फॉर्म है हम डाइजेशन की प्रोसेस में कॉम्प्लेक्स चीज़ों को एकदम सिंपल चीज़ों में कन्वर्ट होता ही देख रहे हैं तो स्टूडेंट इस चीज़ को आप मार्क कर लीजिएगा कि सबसे पहले एमलसीफाइड फैट्स जो है वो अपने एकदम सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुके हैं यानी फैट्स का डाइजेशन कम्प्लीट हो चुका है जिसे हम फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल कहते हैं अब हम बात करते हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स की स्टूडेंट्स आपको पता है कि इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स जो होती हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पाई जाती है इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स एक जूस रिलीज करती है जिसे इंटेस्टाइनल जूस कहा जाता है इंटेस्टाइनल जूस में बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं जैसे कि पैप्टाइडज माल्टेज लैक्टेज स्यूक्रेज ये सारे एंजाइम्स कंप्लीट डाइजेशन करते हैं जो भी फूड अदर एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट से पार्शियली डाइजेस्ट होकर आया है वो फूड यहाँ पर कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है तो किन चीजों का ये डाइजेशन करते हैं इसको क्लियरली समझिएगा पेप्टोन्स एंड पेप्टाइड्स। ये पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स कहाँ से आए हैं दीज टू आर पार्शियली डाइजेस्टेड फॉर्म ऑफ प्रोटीन स्टमक में और इंटेस्टाइन की जो पेंक्रियाटिक जूस है उन्होंने प्रोटीन्स को पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स में कन्वर्ट किया है अब स्मॉल इंटेस्टाइन के ही अंदर इंटेस्टाइनल जूस के एंजाइम की मदद से ये पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाते हैं प्टाइडिस नाम का जो एंजाइम इंटेस्टाइनल जूस में पाया जाता है वो पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स को एकदम सिंपल फॉर्म में यानी एमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि प्रोटीन्स का जो सबसे सिंपल फॉर्म होता है वो अमाइनो एसिड होता है फैट्स फैटी एसिड्स और कन्व में कन्वर्ट हो चुके हैं अब प्रोटीन्स भी पूरी तरह से डाइजेस्ट हो चुका है और अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट हो गया है प्रोटीन का कंप्लीट डाइजेशन किस एंजाइम ने किया पेप्टाइडिस नाम के एंजाइम ने किया है अब हम आते हैं नेक्स्ट जो स्टार्च का कॉम्प्लेक्स फॉर्म माल्टोज में कन्वर्ट किया गया था विद द हेल्प ऑफ एंजाइम सलाइवरी एमाइलेज एंड पैंक्रियाटिक एमाइलेज अब वही माल्टोज का फॉर्म माल्टेज एंजाइम की मदद से ग्लूकोज में कन्वर्ट किया गया ग्लूकोज सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है अगर ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो गया इट मींस कि डाइजेशन की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गई है किस चीज़ के डाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट हुई है कार्बोहाइड्रेट की इसी तरीके से हम वैरायटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज कार्बोहाइड्रेट का एक अदर सोर्स है जो कि मिल्क शुगर जब आप मिल्क इंटेक करते हैं तो मिल्क में भी स्वीटनेस होती है एक नेचुरल स्वीटनेस होती है वो मिल्क शुगर होता है लैक्टोज लैक्टोज भी एक कार्बोहाइड्रेट का ही फॉर्म है इस लैक्टोज को लैक्टेज नाम का एंजाइम भी ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है इट मीन्स कि आप जिन भी सोर्सेज से कार्बोहाइड्रेट आपने इनटेक किया है वो सभी सोर्सेज लेस कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट किए गए और लेस कॉम्प्लेक्स फॉर्म से वो एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किए जा रहे हैं सुक्रोज सुक्रोज जो कि टेबल शुगर है जो शुगर हम लोग केन शुगर से जो शुगर बनाई जाती है वो शुगर जो हम खाते हैं चाय में डालते हैं बाकी चीज़ों में हम खाते हैं वो सुक्रोज होता है कार्बोहाइड्रेट का सुक्रोज फॉर्म होता है सुक्रेज नाम का एंजाइम उसको भी सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में इस तरीके से स्टूडेंट्स आपने देखा कि पूरी तरह से सारे फूड न्यूट्रिएंट्स अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किए गए हैं स्टूडेंट्स आपने देखा कि कार्बोहाइड्रेट सबसे सिंपलेस फॉर्म यानी ग्लूकोज में कन्वर्ट किया गया है प्रोटीन्स जो कि अपने सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट किए गए हैं और फैट्स जो कि फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट किए गए हैं इस तरीके से कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स और फैट्स का कंप्लीट डाइजेशन होकर इनके सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है अब बात आती है कि फ़ूड के तौर पर तो हम वाइटमिनस और मिनरल्स भी इंटेक करते हैं स्टूडेंट्स वाइटमिनस और मिनरल्स जो हम इंटेक करते हैं वेजिटेबल्स और फ्रूट्स से वो अपने एब्जॉर्बल फॉर्म में ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं यानी वाइटमिनस और मिनरल्स का डाइजेशन नहीं होता वो खुद ही इजिली एब्जॉर्ब हो जाते हैं बिना ब्रेक डाउन हुए हुए क्लियर दिस पॉइंट अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे डाइजेशन की प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाती है और सभी फूड न्यूट्रिएंट्स अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं उसके बाद जब नेक्स्ट स्टेप आती है एब्जॉर्ब होने की तो आपको पता है कि एब्जॉर्बशन स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम पार्ट में होता है क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन की एलियम पार्ट की जो इनर लाइनिंग होती है उसमें फिंगर लाइक आउटग्रोथ पाए जाते हैं जिन्हें हम विली कहते हैं विली का काम होता है इंटेस्टाइन के अंदर की सरफेस एरिया को इंक्रीज करना ताकि डाइजेस्टेड फूड इजीली एब्जॉर्ब हो सके तो अब हम विली के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स मैंने ये इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एलियम का बनाया है ये विली का एक इंटरनल स्ट्रक्चर है अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखते हैं तो ये एक फिंगर लाइक आउट ग्रोथ है जिसे हम विली कहते हैं विली को अगर आप इंटरनली देखते हैं तो विली की जो आउटर कवरिंग होती है उसमें कुछ सीलिएटेड एपिथीलियम की सेल्स होती हैं जिन्हें हम माइक्रोविली कहते हैं माइक्रोविली को कहा जाता है ये एक ब्रश बॉर्डर होता है विली का ये भी जो है फूड पार्टिकल्स के एब्सॉर्बशन में मदद करता है अगर हम देखते हैं तो आपको ये डार्क पोर्शन जो दिखाई दे रहा है दिस डार्क पोर्शन इज कॉल्ड एज लैक्टियल आपने लिम्फ लिम्फ वेसल के बारे में आप में आप नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कि वेसल्स क्या होती हैं जिनमें जैसे हमारी बॉडी में ब्लड होता है ठीक इसी तरीके से हमारी बॉडी में एक और फ्लूड होता है लिम्फ लिम्फ जो होता है वो लिम्फ वेसल के अंदर फ्लो करती हैं और लार्जर लिम्फ वेसल को हम लैक्टियल कहते हैं लैक्टियल ये स्ट्रक्चर है इसके साथ साथ आपको ये जो बंचेस दिखाई दे रही हैं ये बंचेज हैं ब्लड वेसल्स की आपको पता है कि ब्लड में किसी चीज़ का पहुंचना और ब्लड फ्लो कहाँ करती है ब्लड वेसल्स के अंदर इसीलिए इन ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड है जहाँ पर डाइजेस्टेड फूड को क्या होना है एब्जॉर्ब होना है अब बात आती है कि किस फूड न्यूट्रिएंट का डाइजेशन किस तरीके एब्जॉर्बशन किस तरीके से होता है स्टूडेंट्स जो सिंपलर मॉलिक्यूल्स होती हैं जैसे ग्लूकोज है अमाइनो एसिड्स हैं ये सारी सिंपल चीज़ें वाइटमिन हैं मिनरल्स हैं ये सारी सिंपल चीज़ें जो डाइजेस्ट हो चुकी हैं सिंपली ये डिफ्यूजन की प्रोसेस से या एक्टिव ट्रांसपोर्ट मेथड से एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं डिफ्यूजन की प्रोसेस एक्टिव ट्रांसपोर्ट मेथड, ये सारी चीज़ें आपने क्लास नाइन्थ में पढ़ रखी हैं ये इन प्रोसेसेस की मदद से जो भी फूड इलियम पार्ट में है जैसे ग्लूकोज एमाइनो एसिड मिनरल्स वाइटमिनस ये सब कम्प्लीटली डाइजेस्टेड फॉर्म ऑफ़ फूड हैं ये डिफ्यूजन या एक्टिव ट्रांसपोर्ट की मदद से एब्जॉर्ब होकर कहाँ पहुँच जाती हैं ब्लड वेसल्स में पहुँच जाती हैं बात करते हैं फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल की फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल कभी भी ब्लड वेसल्स में एब्जॉर्ब नहीं होती हैं फैटी एसिड्स और ग्लिस्रॉल का एब्जॉर्बशन कौन करता है ये लैक्टीयल्स में जाती हैं ये लिम्ब फेसल्स में जाती हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट की मदद से क्लियर स्टूडेंट अब जब ये फूड कम्प्लीटली एब्जॉर्ब हो चुका है तो हम इसके नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं जो है एसीमिलेशन एसीमिलेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड का क्या मतलब है कि जब ये ब्लड में पहुंचती हैं तो ब्लड क्योंकि पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है तो ब्लड इन्हें बॉडी सेल्स तक पहुंचाता है जब डाइजेस्टेड फूड बॉडी सेल्स तक पहुंचती हैं तो वहां पर ये फूड यूटिलाइज की जाती हैं यूटिलाइज़ करने का मतलब है इनसे एनर्जी रिलीज होती है और उस एनर्जी को लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने अदर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करता है यूज करता है इस तरीके से आपने देखा कि डिटेल स्टडी हमने की उन सारे स्टेप्स की जो कि न्यूट्रिशन की प्रोसेस में परफॉर्म करते हैं स्टूडेंट्स आई होप आपको यह पूरा समझ में आ गया होगा जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होंगी आप कमेंट्स में अपनी प्रॉब्लम को बताइए मैं उसका सॉल्यूशन निकालूंगी थैंक यू